वकीलों के यहां लगातार हुई लाखों रुपए की चोरियों का खुलासा न होने से गुस्साए अधिवक्ताओं ने बस्ती सिद्धार्थ नगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान वाहनों की लंबी कतार हाईवे पर लग गई। प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वही प्रदर्शन के दौरान किसी तरह का उपद्रव को रोकने के लिए चार थानों की पुलिस को लगाया गया था। चक्का जाम का नेतृत्व कर रहे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह ने थाना अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि बीते दिनों कई अधिवक्ताओं के यहां लाखों रुपए की चोरियां हुई थी, लेकिन खुलासा केवल एक मामले का हो पाया और खुलासे में फर्जी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर छोटी मोटी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सदर थाना अध्यक्ष के ऊपर चोरियां करवाने का बेहद संगीन आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस अपराधियों से साठगांठ करके चोरियां करवाने के काम में संलिप्त है, इसलिए जब तक पुलिस इन घटनाओं का खुलासा नहीं करती तब तक हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो ये थी इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए सिद्धार्थ नगर से ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यालय पर जितने भी अधिवक्ता गांव से आके अपना आवास बनाए हुए हैं, वह अपने आवास पे असुरक्षित हैं। पुलिस प्रशासन चोरों से मिली भगत करके उनके घरों में चोरी कराती है और चोरी करा के उस माल को तीन दिन में पकड़ के दूसरे अभियुक्तों के गैंग को पर्दाफाश दिखाती है और उनको लचर मुक्त धाराओं में गिरफ्तार करके जिससे उनको लाभ हो जाए, जल्दी से वह छूट जाए और पुनः दो दिन चार दिन के बाद पुराने वाले गैंग को सक्रिय कर देती है कि इन घरों में आम आदमियों के घरों में अधिवक्ताओं के घरों में जाके तुम चोरी करो और चोरी करके उस माल को स्वयं वह लेके हजम करते हैं। हमारी मांग है रविन्द्रनाथ पांडे, मणिप्रकाश गुप्ता, रमेश पांडे और रामशंकर पांडे, इन चारों घरों की चोरियों का पर्दाफाश हो और तत्काल रविन्द्रनाथ पांडे जी का, जो ये पंकज पांडे और राधेश्याम मिश्रा, राधेश्याम राय, दोनों लेके अपने पास रख लिए हैं और दूसरे का माल को हमको दिखा रहे हैं, वह तत्काल थाने से अपने घर से लेके आवें और यहाँ पब्लिक के सामने हमको दें। यही मेरी मांग है, इसी के लिए हम लोगों ने चक्का जाम कर रखा है।